जवान का विक्रम राठौड़ कोई नहीं भूला है और अब शाहरुख खान को दोबारा से एक्शन अवतार में देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शाहरुख खान एक बार फिर से धूम मचाने आ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक नया इतिहास शाहरुख खान के हाथों से लिखा जाएगा। शाहरुख खान की धूम 4 को लेकर नयनतारा कहती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी और एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड शाहरुख खान धूम 4 से लिखने वाले हैं। शाहरुख खान वो एक्टर हैं जो कि एक साल में 2500 करोड़ रुपए कमाने का पावर रखते हैं और बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने का पावर भी शाहरुख खान ही रखता है। अब बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के साथ धूम 4 को बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और शाहरुख खान के हाथ पठान की डोर देकर जो 1000 करोड़ की कलेक्शन की थी वही डोर अब धूम 4 की जो है शाहरुख खान के हाथों में देने की पूरी बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान धूम 4 को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक 500 करोड़ रुपए की बजट में बनाई जाने वाली मूवी हो सकती है जिसको बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज करने के लिए 5 लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा और इसकी सारी शूटिंग जो है वो ओवरसीज में की जाएगी। हालिया दिनों शाहरुख खान की काफी ज्यादा मुलाकातें भी हो रही है। आदित्य चोपड़ा जो है वो सिद्धार्थ आनंद को पठान 2 नहीं दे रहे हैं बल्कि कहा जा रहा है कि धूम 4 को बनाने के लिए सिद्धार्थ आनंद को किया गया है और यह बातें हो रही है कि सिद्धार्थ आनंद धूम 4 की कहानी पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में नयनतारा और दीपिका में से कोई एक हीरोइन को धूम 4 के अंदर आप देख सकते हैं और यह मूवी एक्शन के मामले में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर शाहरुख खान धूम 4 में आ जाते हैं तो भाई क्या जवान और पठान का रिकॉर्ड टूट सकता है? क्योंकि शाहरुख खान जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं वो अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो पठान का रिकॉर्ड था वो जवान ने तोड़ दिया और अब जो वो कहा जा रहा है कि जो जवान का रिकॉर्ड है वो धूम 4 तोड़ सकती है। आप शाहरुख खान के डायहार्ड फैन हो तो राहुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान की अपकमिंग मूवीज की सारी अपडेट्स और शाहरुख खान की मूवीज के बारे में आपको हर एक जानकारी मिलती रहती है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।